हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पलाक, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी मैं हूँ अनाशक्ति आश्रम के पास, तो आपको दिखाता हूँ मैं अनाशक्ति आश्रम। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप सामने गेट। तो अनाशक्ति आश्रम कौसानी में पड़ता है, मार्केट से थोड़ा ऊपर है, ऑलमोस्ट से लगभग 50 किलोमीटर है। तो ये मुख्य गेट। तो गाइस, आप सामने देख सकते हैं ये ऊंट का बना हुआ है, इसमें आप पेंटिंग देख सकते हो और नीचे पत्थर से। और जो सामने आपको दिख रहा है बोल्ड, तो उसमें जो कौसानी से घूमने वाली जगह है वहाँ की दूरियाँ बताई गई हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे अनाशक्ति आश्रम के बारे में कुछ बताया गया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं डिटेल से अनाशक्ति आश्रम के बारे में। तो सामने ये जी महात्मा जी का स्टैचू। और हर साल यहाँ पे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, और अलग अलग स्कूल से यहाँ के वहाँ बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और आर्मी वाले बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ आर्मी एरिया है ऊपर, तो आर्मी वाले यहाँ पे कार्यक्रम के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सामने है, ये है अनाशक्ति आश्रम। और लकड़ी का जो कारीगरी की है, बहुत ही अच्छी कारीगरी की है इसमें लकड़ियों में। तो गाइस, कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू, और सामने हिमालय भी दिखता है यहाँ से। आगे मैं आपको गांधी जी के 3 मंदिर दिखाऊंगा, जो कि हमको काफ़ी कुछ सिखाते हैं, और जो भी यहाँ आते हैं तो गांधी जी के 3 मंदिर से ज्ञान लेते हैं। तो गाइस, ये हैं बाबूजी के 3 मंदिर। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो आपको सामने में होटल भी दिख जाएंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर रहना रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए रूम भी अवेलेबल है। और गाइस, मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर रुके, साथ में आप प्रातःकाल उठ के यहाँ पे सूर्य उदय का आनंद ले सकते हैं और हिमालय दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा हिमालय दिखता है, और शाम के टाइम पर सूर्यास्त का भी का आनंद ले सकते हैं, और नाइट में जब चांदनी रात होती है तो हिमालय यहाँ पे एकदम गोल्डन कलर जैसा हो जाता है, तो आप हिमालय गोल्डन हिमालय देख सकते हैं। अब मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, जहाँ की गांधी जी की कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो जब गांधी जी 1929 में कौसानी आए हुए थे तो उनसे जुड़ी कुछ यादें यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो गाइस, यहाँ पे कुछ पेंटिंग देख सकते हैं आप, ये जब महात्मा गांधी यहाँ पे कौसानी आए हुए तो उन्हीं की तस्वीरें कैप्चर की गई थी, जो कि आज यहाँ पे संग्रहालय में है। तो गाइस, गांधी जी 24 जून 1929 को यहाँ पे कौसानी आए और लगभग 14 दिन यहाँ पे रहे, 7 जुलाई तक, और यहाँ पे उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी अनाशक्ति योग। और जो कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड जो नाम दिया गया वो गांधी जी द्वारा ही दिया गया था, तभी सामने से कुछ इस तरह से भी है यहाँ पे।
तो अनासक्ति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आसक्ति, आसक्ति यानी कि रोग दोष से मुक्त। तो यहाँ पे प्रार्थना सभा होती है और मन को शांति प्राप्त होती है, तो इसलिए यहाँ का नाम अनासक्ति रखा गया। तो गाइस यहाँ पे हाल ही में एक पेंटिंग लगाई हुई है गांधी जी की, क्योंकि पहले नहीं थी, गांधी जयंती के दिन लगाई गई है पेंटिंग, तो काफ़ी अच्छी। गांधी जी स्वदेशी वस्त्र ही पहनते थे, तो उसी चीज़ को दर्शाती हुई है ये पेंटिंग। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, हाथ में चरखा पकड़े हुए हैं गांधी जी। तो गए जो यहाँ पे उड पे जो कलाकारी की है काफ़ी अच्छी की हुई है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अनासक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है आसक्ति यानी रोग दोष से मुक्त। तो गाइस ये है फ्रंट से अनासक्ति आश्रम का व्यू, देख सकते हैं पूरा आश्रम यहाँ से दिखता है। तो मैंने आपको अनासक्ति का अर्थ तो बता दिया है, अगर आपको कुछ और पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मॉर्निंग टाइम पे काफ़ी अच्छा हिमालय दिखता है यहाँ से, अभी तो थोड़ा बादल लग गए हैं तो उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन फिर भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे दूर दूर से सैलानी प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं और अपने साथ यहाँ की अच्छी अच्छी यादें ले जाते हैं, तो आप भी एक बार यहाँ पे ज़रूर आए। सामने आप देख रहे होंगे सीकर सोपान, तो मैं बताता हूँ ये क्या है। तो गाइस यहाँ से जो हिमालय है तो उसके पीक की जो डिस्टेंस और जो नेम है वो यहाँ पे लिखे गए हुए हैं। तो आप यहाँ से हिमालय के पिक और उनके नेम जान सकते हैं। अनासक्ति आश्रम के बगल पे एक छोटा सा टी स्टॉल है, तो जब यहाँ आएंगे तो आप टी का आनंद ले सकते हैं यहाँ पे चाय का। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।